हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास सिक्स हिंदी वसंत का पहला चैप्टर वह चिड़िया जो। ठीक है, इसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये चैप्टर मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका है। तो आइए, पहला है शब्द अर्थ। पहला है जुड़ी। जुड़ी का मतलब होता है ज्वार के दाने। रुचि, रुचि मतलब चाव से। कंठ, कंठ मतलब गला। बूढ़े वन बाबा मतलब पुराना घना जंगल। रस उडेल के, रस उडेल कर मतलब मीठी आवाज। विजन, विजन का मतलब होता है एकांत या फिर शांत जगह। फिर है चड़ी नदी। चड़ी नदी का मतलब जल से भरा हुआ। फिर है दिल टटोल कर। दिल टटोल का मतलब तलाश करना या फिर छूना, तलाशना या छूना किसी चीज को। जल का मोती, जल का मोती मतलब पानी की बूंदे। गर्बीली, गर्बीली मतलब गर्व करने वाली। संतोषी मतलब जो मिले उसी में खुश रहने वाली। अन्न, अन्न मतलब अनाज। ठीक है, ये तो हो गए इसके शब्द अर्थ। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नों के सही उत्तर लिखो। पहला क्वेश्चन है, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे। ठीक है, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना है तो आप लोग क्या दोगे। तो लिखोगे आप गर्वीली चिड़िया, नीले पंखों वाली चिड़िया, संतोषी चिड़िया और नन्ही चिड़िया। आपको कोई और नाम या शीर्षक समझ में आता है तो आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको पसंद है। तो मैंने लिखा है गर्वीली चिड़िया, नीले पंखों वाली चिड़िया, संतोषी चिड़िया और नन्ही चिड़िया। दूसरा क्वेश्चन है, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। तो इससे पहले मैंने आपको जो पोयम समझाई थी तो उसमें चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार था। चिड़िया को ज्वार के दाने, नदी और पुराने घने जंगल में एकांत की जगह पसंद थी। तो हम लिखेंगे, कविता के आधार पर चिड़िया को दूध भरे ज्वार के दानों, नदी और पुराने घने जंगल से प्यार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह चिड़िया जो कविता के कवि का नाम क्या है। ठीक है, जो कवि है उनका नाम क्या था। वह चिड़िया जो कविता के कवि का नाम केदारनाथ अग्रवाल है। जितनी भी कविता है हिंदी और इंग्लिश में, दोनों में ही आपको उनके कवि याद होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आश्चर्य स्पष्ट करो। ठीक है, रस उडेल कर गा लेती है। इस पंक्ति का आशय यह है कि चिड़िया बूढ़े वन के लिए खुश होकर गाने लगती है। उसके गाने में इतना मीठापन है, ऐसा लगता है उसने वातावरण में मीठा रस घोल दिया है। ठीक है, तो इसका आशय स्पष्ट इस तरह से हम लिखेंगे। नेक्स्ट है, चड़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। इसका आंसर है, इस पंक्ति में चिड़िया को साहसी बताया है। ठीक है, वो अपने आप पे गर्व करने वाली चिड़िया है। छोटी चिड़िया तेज बहती नदी से बिल्कुल भी नहीं घबराती है। जब चिड़िया भरी हुई नदी के ऊपर उड़ती है और उसके अंदर डुबकी लगाकर जल को जब पीती है तो ऐसा लगता है कि वह गहरे जल का मोती निकाल कर लाई है। ठीक है, इस तरह से हम इसका आशय स्पष्ट करेंगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने वह चिड़िया जो कविता के माध्यम से मनुष्य के बारे में क्या बताया है। तो इसका आंसर है, कवि ने वह चिड़िया जो कविता के माध्यम से मनुष्य के अंदर छिपे हुए गुणों को बताने की कोशिश की है। हर व्यक्ति में अपनी कोई ना कोई गुण या विशेषता जरूर होती है जो हमेशा छुपी रहती है। इसी गुणों और विशेषता को सामने लाने का प्रयास किया है। ठीक है, इस कविता के माध्यम से मनुष्य के बारे में बताया है, मनुष्य के गुणों के बारे में बताया है।
जैसा कि हर कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं हो सकता, हर किसी की अलग अलग एबिलिटी होती है। कोई पढ़ाई में अच्छा है, कोई खेल में अच्छा है, कोई ड्राइंग में अच्छा है और कोई दूसरी एक्टिविटी में अच्छा है। तो जरूरी नहीं कि वो पढ़ाई में ही अच्छा हो या हर चीज में अच्छा हो। तो इन्हीं गुणों को हमें पहचानने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है, यही कवि ने समझाने की कोशिश की है। लास्ट क्वेश्चन है, नीले पंखों वाली चिड़िया कौन से रस को उड़ेल कर गा लेती है। नीले पंखों वाली चिड़िया मुंह बोली है। नीले पंखों वाली चिड़िया कैसी थी? मुंह बोली थी। अपनी मीठी बोली से कांत और अशांत जंगल में उमंग के स्वर बरसाती रहती है। उसकी बोली को रस उड़ेल कर कहा गया है। उसको शांत इलाका पसंद था, जंगल का इलाका पसंद था, क्योंकि वहां ना ही कोई गाड़ियां चलती हैं, ना ही कोई मनुष्य है। वो एकांत में जाकर अपना स्वर गाने लगती है, ठीक है। तो इस कविता के माध्यम से आपको मनुष्य के गुणों के बारे में और एक छोटी सी चिड़िया ने किस तरह से, वह किन किन चीजों से प्यार करती है, उन सभी के बारे में आपको पता चला। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जल्दी लेके आऊंगी। थैंक यू।